गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज के डेट में जो है क्लास सेवेंथ के मैथ के चैप्टर नंबर फोर रेशनल नंबर के बारे में आगे के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या है प्रीवियस डेज में जो है हम पढ़े थे एडिटिव इनवर्स। अगर कोई भी वैल्यू हो, मान लीजिए 5/6 है -5, तो इसका एडिटिव इनवर्स जो होगा 5/6 होगा ना, ऐसा हम प्रीवियस वीडियो में जो है पढ़े थे। चलिए आगे की टॉपिक में हम सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चन को। क्या सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन दो तरीके से किया जाता है। पहला तरीका है सेम डिनोमिनेटर, अगर सेम डिनोमिनेटर हो मतलब कोई दो रेशनल नंबर हो a/b एंड लेट एंड c/b, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए a/b - c/b, तो a - c/b ये आपका वैल्यू आ जाएगा। अगर कोई डिनोमिनेटर है जैसे 5/3 - 2/3, सेम डिनोमिनेटर है, जब डिनोमिनेटर सेम है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और 5 - 2, क्या मतलब 3/3 इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। दूसरी बात आती है जो जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो सेम ना, डिफरेंट डिनोमिनेटर हो मान लीजिए कोई संख्याएं है a/b है एंड c/b, तो इसका डिनोमिनेटर जो है डिफरेंट है, जब डिफरेंट है तो इसकी वैल्यू क्या होगी a/b - c/b। तो हम देखते हैं b और d को एलसीएम ले लेते हैं, कहा जाता है bb इसमें ad - bc, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। जैसे आप फ्रैक्शन में करते थे सेम वैसे ही करना है। फिर क्या तो सूत्र देखिए, मान लीजिए कोई संख्या है 5/3 और 8/5, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 8/5, इसको घटाइए तो ये हो जाएगा, बोलिए इसका एलसीएम हो जाएगा 25 हो जाएगा। जब एलसीएम 15 हो जाएगा 5 × 5 हो जाएगा, 3 × 8 हो जाएगा 24/25 - 24/15, यही आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अनेकों प्रकार के क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कर लेते हैं। फिर दूसरी टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर। Yeah, but we...
डी, ए अपॉन बी और सी अपॉन डी, कोई दो रेशनल नंबर है, इसका मल्टीप्लाइकेशन क्या होगा, ए अपॉन बी, ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी। तो क्या कहते हैं, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मिलता, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर था, ए सी अपॉन बी। जैसे कोई फोर फाइव अपॉन फोर है और सिक्स अपॉन एट है, मान लीजिए टू रेशनल नंबर है, तो इसका मल्टीप्लाइकेशन क्या होगा, फाइव अपॉन फोर इंटू सिक्स अपॉन एट, फाइव सिक्स थर्टी, एट फोर थर्टी, यही आपका वैल्यू आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करने से फिफ्टीन अपॉन हो जाएगा सिक्सटीन, वैल्यू आ जाएगी। सेम इसी तरीके से अगर आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, क्या करना है, मान लीजिए चलिए क्वेश्चन और सॉल्व करिए, अगर 12 अपॉन 18 और 6 अपॉन 17 दो ऐसे रेशनल नंबर हो, तो इसका मल्टीप्लाइकेशन क्या होगा, 12 अपॉन 18 इंटू 6 अपॉन 17, इसका आंसर होगा करते 72 और 18 इंटू 17, पूरा करिए, इतनी वैल्यू आपकी आ जाएगी। मतलब इसमें न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर का जो है डेनोमिनेटर में सेम कंडीशन ऐसे है, रेस्ट में नेक्स्ट टॉपिक पे है, या आपका है रिसीव टोकन आर मल्टी प्लीकेटिव इनवर्स, आपका अगर कोई क्रिएट कोई रेशनल नंबर ए अपॉन बी है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, सीधे उल्टा इसका, मतलब बी अपॉन ए क्या होगा, बी अपॉन ए होगा। अगर इसकी दोनों को पूरा करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है बी अपॉन ए, मतलब वन आनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू वन आ जाएगी। सेम अगर कोई रेशनल नंबर है फाइव अपॉन थ्री है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, थ्री अपॉन फाइव, कोई दिक्कत किसी को, आपको ध्यान देने की बात है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स दोनों में ध्यान देने वाली बात है। एडिटिव इनवर्स हुआ होता है जिसमें मान लीजिए कोई ए अपॉन बी है, इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है, बताइए इसका माइनस ए अपॉन बी होगा, इसकी वैल्यू जो है जिससे दोनों की वैल्यू जो है जीरो हो गया। लेकिन इसका मल्टीप्लिकेशन इनवर्स में यह होता है कि मान लीजिए ए अपॉन बी है, तो इसकी वैल्यू जो होगी बी अपॉन ए होगी, जिससे दोनों का गुणा करने पे जो है इसकी वैल्यू वन आ जाए। ये देखो तो जो है ध्यान देने की बात है, आप दोनों ही फॉर्मेट जो है इस लेवल पे आते हैं। फिर नेक्स्ट में आता है डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर, अगर कोई दो रेशनल नंबर है ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी, कोई दो रेशनल नंबर है, इसका डिवीजन क्या होगा, ए अपॉन बी डिवाइडेशन ऑफ सी अपॉन
AD अपॉन BC यही आपका आंसर होगा। जैसे कोई तो एक नंबर लीजिए, मान लीजिए 10/3, दूसरा नंबर है 5/6। तो इसको देखिए, जब इसको डिवीजन करते हैं तो क्या करते हैं, क्या ऐसे 10/3 लिख सकते हैं और 5/6 लिख सकते हैं। तो बाहर का अगला बाहर में, अंदर का अगला अंदर, 10/3 × 6/5 ये हो जाएगा क्या 60/50। ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। इस तरीके से आप क्या करेंगे कि जो है आपका टेस्ट में जो है आपको दिया गया है, टेस्ट में जो है चेक पॉइंट एक सरका जो है आपके चेक पॉइंट पेज नंबर 75 का जो है आप सभी लोग सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है फिर 75 पे भी है और चेक पॉइंट जो है आपका 74 पे भी है, इसको भी सभी चेक पॉइंट को जो है सॉल्व करेंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो कल के डेट में जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे या हमारे पास कॉल करके